सी एस आई एस, ये नाम याद रखना और इसकी फुल फॉर्म और इसका मतलब बताएंगे आप लोगों को कि सी एस आई एस है क्या चीज़। जब पूरी इसका फुल फॉर्म और इसका पूरा मतलब बताएंगे ना, तब आपको पता लगेगा। हाँ एक चीज़ जरूर कहेंगे, आज का वीडियो अगर कोई चिंटू मिंटू है तो देखना मत, क्योंकि तुम्हारे से देखा नहीं जाएगा, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, तुम रोओगे, तुम गलत कमेंट करोगे। पहले ही बता रहे, तुम रोओगे और गलत कमेंट करोगे जब सी एस आई एस का पूरा वो बताएंगे आपको। अपने देश में चल क्या रहा है, अपने देश में चल रहा है, कल वित्त मंत्री सीतारमण इंटरव्यू दे रही थी, उसका इंटरव्यू भी देख रहे थे, उसका वित्त मंत्री है कोई तो अच्छी बात बताएगी, कुछ भी नहीं, 400 पार 400 पार, ये हो गया वो हो गया। उनसे पूछा जाए जी प्याज के रेट महंगे हो गए, मैं तो प्याज ही नहीं खाती। अरे तू नहीं खाती ताई, लेकिन रेट महंगे, उसके ऊपर तो बोल वित्त मंत्री है तू देश की, कोई मतलब नहीं। उनका पति कुछ बयान दे रहा है कि ये कर रहा है वो कर रहा है प्रधानमंत्री, लेकिन कोई मतलब नहीं, बस लगी। उससे पूछा जाता वित्त मंत्री है जी रुपया नीचे गिर रहा है डॉलर, बोला रुपया नीचे नहीं गिर रहा है डॉलर ऊपर जा रहा है, कौन सा जवाब है ये? उसको हमने देश का वित्त मंत्री बनाया हुआ है। देश के गृह मंत्री साहब भी कल बयान दे रहे थे, उनका भी इंटरव्यू देख रहे थे, चलो कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कुछ भी पूछे जी ये हो गया नेहरू की गलती है, जी ये हो गया नेहरू ने गलती की थी इसलिए हो रहा है, देश पिछड़ रहा है, पाकिस्तान से तो हम आगे हैं। एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की बात है, दूसरी तरफ तुलना पाकिस्तान के साथ है। ये पहली बात तो, ये जो पतल चाट है इनके सवाल सुन के ही हंसी आती है, हंसी आती है। एक हमने अपना देश सौंपा हुआ प्रचार मंत्री को, प्रचार मंत्री अपने प्रचार में लगे हुए हैं, उनसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता, पूछता भी तो जी आप जेब में पर्स रखते हो या नहीं रखते हो, ये सवाल है क्या? देश के प्रचार मंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री बोलते हैं आप लोग, पीएम बोलते हैं, है तो प्रचार मंत्री, अपने प्रचार में लगा रहता है। हाँ बीच में एक चीज फिर दोबारा बता रहा हूँ, सी एस आई एस ये याद रखना, इसके बारे में पूछेंगे, अगर हो सकता कोई साथी 1 मिनट या 1.5 मिनट का वीडियो भी सुनता है ना तो बीच में उसका मतलब बता सकता है, सी एस आई एस का मतलब क्या होता है आप बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो जी बात कर रहे थे हम अपने इसके, एक होता है मतलब वैसे तो कागजों में देखो तो चाणक्य बोलते हैं उसको, चाणक्य बोलते हैं, ये है देश के चाणक्य, गोवा में एक भी सीट नहीं आई सरकार बना दी, देखा चाणक्य की रणनीति का कमाल, तड़ी पार है वो, चाणक्य नहीं है, नहीं तो उससे सवाल करो जज लोया का क्या हुआ कैसे हुआ, उनके बेटा उनकी वाइफ आज तक रो रहे हैं हमारे पिताजी कहाँ गए हमारे को पता है क्यों, क्योंकि उसने तड़ी पार का ना फैसला सुनाना था। इनसे कुछ पूछो, बस गलती सारी नहीं रुकी, इनको ये याद है 70 साल पहले क्या हुआ था, इनको ये नहीं याद है 10 साल में तुम लोगों ने क्या किया है, कितना मतलब देश का बेड़ा गर्क किया है, सेना का बेड़ा गर्क किया। मैं तो ये और साथ में कहना चाहता हूँ भाई सीखो, थोड़ा बच कर रहना, दोबारा से ना पगड़ी बांध ली है वो डाडी वाले बाबा ने, पगड़ी बांध ली है वो, जब किसानों के बारे में बोलता है किसान रोड पे आकर लड़ते हैं, जवानों के बारे में बोलता है जवान रोड पे आते हैं, विद्यार्थियों के बारे में बोलता है एजुकेशन का हमारा सिस्टम क्या आपको ही पता, जो इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिख सकता ना वो 95% नंबर ले आता है, बड़े कमाल की बात है, ऐसी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, नंबर 3 नंबर का पेपर करके आया बंदा और 90 नंबर ले रहा है, तो इससे ज्यादा और आप क्या समझोगे, कहाँ पे हमारी एजुकेशन? आपको क्या बताया था सी एस आई एस इसका थोड़ा ना, अब आपको इसका मतलब बताते हैं, पहले तो पहले इसका मतलब सुनो फिर उन्होंने क्या किया है वो सुनो, अगर पैरों नीचे से जमीन ना निकले तो हमारे को बताना। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस सी एस आई एस, अभी अगर इसका मोटा मोटा आप इसका डाटा बता देते हैं आपको, इसकी स्थापना हुई थी कब? जून 1984 में। अब जून 1984 बोला जाता था बहुत से लोगों का पता नहीं कहाँ पे भूत बढ़ जाएगा, कलेजा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है जून 84 में क्या हुआ था। 21 जून 1984 में, 39 साल पहले, 39 साल पहले का, कोई कुछ लोग इंसाफ भी मांग रहे जो कि नहीं दे रहे, लेकिन अब बताएंगे आपको इसका, अगर आप इसका पूरा देखा जाए या पूरा आपको मोटा मोटा डाटा बताएं तो इसके अंदर कितने बंदे काम करते हैं, इसके अंदर बंदे काम करते 3,200+ बंदे काम करते हैं, 3,200+, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा रखते भी नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखते, इसका काम ही ऐसा होता है। अगर इनका आप एनुअल बजट देखोगे तो एनुअल बजट है इनका 696.5 मिलियन डॉलर, 696.5 मिलियन डॉलर, और काम कितने आदमी करते हैं? सिर्फ 3,200+ बंदे काम करते हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं ना, जैसे अपने देश में आईबी है, रो है, इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, उनसे बहुत आगे काम करते हैं ये, जब काम करते हैं ना कि काम को अमेरिका भी सलूट करता है, अमेरिका सलूट करता है। इनके चीफ ने जो बोला है भाई वो सुनकर शायद
आपके पैरों के नीचे से जमीन तो निकली जाएगी, हमारे को पता है। इनका अगर वो देखो आप एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो बोलते हैं डेविड विजनवाल्ट, ठीक है। अब थोड़ा मोटा मोटा ना उनका बयान अगर आप सुनोगे ना तो मेरे को पता बहुत से लोगों को नींद नहीं आएगी उनका बयान सुनने के बाद, लेकिन उनका बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने बोलिया है। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस है भाई, उसका बयान तो आपको लोगों को सुनना भी चाहिए और सुनना नहीं चाहिए, उसके अगर ऊपर अमल करोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे। Not only killed a Canadian, may quite possibly have killed some others, some unexplained homicides. So it is quite troubling. The fourth state you're referring to, of course, is India. Do you have any doubt in your mind at all that India is behind this murder plot? I'm quite confident. It's India from you know the Prime Minister's disclosure in September, the operation the Americans disrupted in New York, and the recent. Acknowledgement through the media of who was involved in RAW. For me, there's no doubt. If we look at the criminal investigation, the RCMP is dealing with evidence and they're dealing with a future prosecution. So they're, of course, focused on that and are not going to want to bring anything in that might kind of disrupt that prosecution. And about the three men who were charged in this case with murder, relatively young men, it's not as if India, if they are indeed behind this, sent agents from that country to here. Are you surprised by that? I was surprised. I was surprised that they may have been using our immigration stream to carry out such a dirty act. This is going to raise an awful lot of questions and some issues. But these three may not necessarily know who they were working for. We may have various layers or levels and middlemen involved, which provides sort of a firewall in a way for the government of India. They may have thought they were actually working for criminals to carry out these killings. It's been a few years since you worked with CSIS, but do you have any sense of whether these three would, or the people who are directing them, would don't actually appear as what would be, you know, a strategic threat to national security. They're basically young individuals who came here on student visas and then carried out this act. So I think a lot of the CSIS intelligence collection on this would have been probably after the fact, unless they had, you know, some, I guess you could say, sharing from other partners and things like that. As a CSIS officer, we do have other homicides that perhaps have been a bit unexplained. So there may have been more than just those involved in Mr. Nizhar's killing. And that could be a reference to future arrests. It's like probably more than one team, a number of targets. We know that from the operation in New York, where the fellow in it. चिंटू मिंटू, तुम्हारे को तो समझ में आया नहीं होगा इसने क्या बोल रहा है। इसने हरदीप निजर केस का ना पूरा डाटा निकाल के रख दिया है, और जो नाम लिया ना इंडिया का या रो का जो भी नाम लिया है उसको समझ लेना, या तुम्हारी समझ में नहीं आया किसी और को सुनाना बताना भाई ये क्या इसकी हिंदी क्या बनेगी। तो तुम्हारे पैरों नीचे से जमीन निकाल के ले गया, ये जमीन निकाल के ले गया, जमीन निकाल के अमरीका को दे दी है, निकाल के अमरीका को दे दी है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने अपना काम जो करना था वो कर दिया। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।